जय किशन दयाभाई पंचाल प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन का हिस्सा थे। उन्होंने 1949-1971 के बीच 2200 वर्षों तक साथ काम किया और उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग की अब तक की सबसे महान संगीतकार जोड़ी माना जाता था। उनका काम तुतलाना और सुरीलापन दोनों के कारण लोकप्रिय था, रागों पर आधारित था। जय किशन दयाभाई पंचाल का जन्म 4 नवंबर 1929 को दयाभाई पंचाल और उनकी पत्नी के घर हुआ था। एक बच्चे के रूप में वह बसादा के छोटे से शहर में पले बढ़े, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में वस्ता के नाम से जाना जाता है। छोटी उम्र से ही जय किशन ने हारमोनिया बजाने में निपुण होकर निपुणता दिखाई। बड़े होते होते उनकी संगीत के प्रति रुचि बढ़ती गई। उन्होंने संगीत विशारद वाडीलाला जी और बाद में प्रेम शंकर नायक के साथ संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बाद में जय किशन काम की तलाश में मुंबई चले आए। यह एक आकस्मिक मुलाकात थी जिसने शंकर सिंह, राम सिंह रघुवंशी और जय किशन दयाभाई पंचाल दोनों को एक वफादार टीम से परिचित कराया। पृथ्वी स्टूडियो में काम करने के अलावा शंकर अक्सर एक गुजराती निदेशक चंद्रवर्धन भट्टा के कार्यालय में जाते थे, जिन्होंने शंकर को अपनी फिल्म में संगीत निदेशक के रूप में मौका देने का वादा किया था। इन्हीं दिनों में एक दिन वह चंद्रवर्धन से मिलने गए। जब उसकी मुलाकात जय किशन से उसके कार्य के बाहर हुई, उन्होंने बातचीत शुरू की और तुरंत एक दूसरे के प्रति पसंद करने लगे। यह पता चलने के बाद कि जय किशन भी काम की तलाश में है, शंकर ने फिल्म निदेशक पृथ्वीराज कपूर से पूछा। बिने उन्हें पृथ्वी थिएटर में काम करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि पृथ्वीराज कपूर ने शंकर के चयन का सम्मान करते हुए जय किशन को खुशी से काम में ले लिया। जल्दी ही यह जोड़ी अविभाज्य हो गई और लोगों ने उनकी जोड़ी के उपनाम देना शुरू कर दिया। इतने करीब के साथ काम करने से शंकर जय किशन की दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन अपने अलग संगीत करियर को आगे बढ़ाने के अलावा वे प्रसिद्ध मंच नाटक पठन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम करते थे। पृथ्वीराज स्टूडियो में काम करते हुए शंकर जय किशन ने एक साथ धुने और धुने बनाना शुरू किया। निर्देशक के रूप में राज कपूर की पहली फिल्म में शंकर और जय किशन ने उनकी फिल्म के संगीतों की रचना में उनकी सहायता की। इस प्रकार राज कपूर की 1948 की फिल्म आगे की गीत बरसात के साथ उद्योग में उनकी शुरुआत हुई। 1949 से 1959 के बीच दशक में प्रसिद्ध संगीत जोड़ी शंकर जय किशन का उदय हुआ, जिन्हें लोकप्रिय और प्यार से SJ के नाम से जाना जाता था। उस समय की उनकी सब कुछ प्रसिद्ध शुरुआती कृतियों में बरसात, आवला, पूनम, बादल, नगीना, औरत, आहा, पतिता, काली कट्टा, पर्वत, नया घर, बादशाह, शिक्षा, मयूर पंखा, श्री 420, सीमा, बसंत बहार, हलाकू शामिल है। शरारत, उज्वला, लव मेरी, दंग, अनाड़ी, चोरी चोरी, कठोपुतली, यहूदी, बेगुना में, नशे में हूँ, कन्हैया, फूट पोलिस, छोटी बहन, नई दिल्ली सहित अन्य। SJ ने अपने समय के सभी प्रसिद्ध गायकों के साथ काम किया और जिनके साथ उन्होंने काम किया उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्ता की। उनमें विशेष प्रतिभा थी। वे अंत तक RK फिल्म के लिए हाउस कंपोजर के रूप में और हमेशा उनके पैरोल पर रहे। की रचना शैली ने बॉलीवुड संगीत की नींव तोड़ दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अपने विशाल ज्ञान के साथ SJ ने पश्चिम संगीत भी पेश किया, दोनों के साथ प्रयोग किया और उन्हें एक साथ मिलाया। उन्होंने संगीत की एक बिल्कुल नई शैली पेश की। उन्होंने एक गीत में ऑर्केस्ट्रा में भूमिका महत्व को भी स्थापित किया। केवल एक गीत बनने के बजाय उन्होंने भावनाओं को बढ़ाने और रिप्ले करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया। यहाँ तक कि एक टीम के रूप में SJ अलग से भी गाने बनाते थे, लेकिन संगीतकार का नाम उजगर ना करने का उनका एक सज्जन वादा था। जय किशन रोमांटिक गानों और आकर्षक गानों में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोरर बनने में भी माहिर थे, जो तुरंत हिट हो गए। दोनों ने मिलकर 20 नामांकनों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए 9 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। फिल्म प्ले पुरस्कार के अलावा उन्होंने 2 सुपर सिंगर पुरस्कार और 2 BFAR पुरस्कार जीते। जय किशन दयाभाई पंचाल ने अत्यधिक शराब के सेवन से होने वाली बीमारी लीवर सिरोसिस के कारण 12 सितंबर 1971 को अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद शंकर ने अकेले ही अपने काम का बैनर उठाया, लेकिन संगीतकार अनुभाग के तहत हमेशा शंकर जय किशन नाम का उल्लेख न किया।